So, ladies and gentlemen, let's move on to the module 88, which will cover about the research on X efficiency in Japan. As we have discussed so many case studies in different areas in different have uh, contexts, China uh, Thailand. Now, look at the level of X efficiency in Japan. हमने अब तक ये समझा और जाना कि आंटरप्रन्योर के अंदर क्वालिटी एफिशिएंसी का भी बड़ा ही किरदार रहा है गैप्स कौन से फाइंड आउट करता है आंटरप्रन आंटरप्रेन वहीं पर गैप फाइंड आउट करता है यानी इसका तर्ज सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने बिजनेस प्रोड्यूस कर देना या प्रॉफिट मोटिवस नहीं है अर्निंग्स नहीं है अब तक के मॉड्यूल्स के अंदर भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे जो जो गैप्स हैं वो बेसिकली क्वालिटी भी हो सकता है वो मार्केट सिग्निफिकेंस हो सकता है वो हमारे रिस्क हो सकता है वो रेजिडुअल प्रॉफिट हो सकता है वो क्रेडिट मार्केट हो सकता है वो क्रेडिट रिस्क टेकिंग हो सकता है या जेनुअन मार्केट प्रॉफिट्स के ऊपर यानी क्रेडिट मार्केट को चेंज करने के ऊपर भी हो सकता है क्या ये भी हो सकता है समटाइम कि आपके ऊपर थर्टी डेज क्रेडिट के ऊपर माल भी मिल जाना आपकी क्रेडिबिलिटी यानी रेजिडुअल क्रेडिबिलिटी सो अब हम ये देखते हैं कि एक्स एफिशेंसी ने जापान में कैसे असर किया अब अगर हम इसको गौर से देखें सो हुसोनो अनसाकी और, और तसोरो 2006 के अंदर इसके अंदर एग्जामिन करते हैं कॉजेज और इफ़ेक्ट्स को जो कि कंसोलिडेट करके जो शेंख बैंक है उसको पीरियड जो लेते हैं उसका तकरीबन अराउंड इट वाज अबाउट 1984 टू 2002 एवरेज एक्स एफिशिएंसी फॉर ऑल बैंक्स उसका स्टैंडर्ड जो वहाँ रखा जाता है वो जीरो पॉइंट फोर फोर रखा जाता सो so, यहाँ पर डिफरेंट बैंक्स के जो जीरो इस बैंक में अगर खास तौर तो पे देखें तो जीरो पॉइंट फोर फोर था बाकी बैंक्स को हमने देखा और नॉर्मली हमने बैंक ट्रांजेक्शन के ऊपर मुख्तलि तो स्टडीज आपने प्रीवियसली देखी उसके ऊपर जीरो पॉइंट नाइन नाइन जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स और मुख्तलिफ तो स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसको गेज किया गया वाई दिस रिसर्च कंक्लूड द फॉलोइंग दीज प्रबल और लेस प्रॉफिटेबल और एफिश और इनएफिशेंट एरियाज़ देखा जाए तो इसका टोटल मकसद ये था कि हमने एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को देखना है एफिशिएंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पहले तो समझ लें इफेक्टिवनेस तो ये है कि आपने हर चीज को मिनिमाइज कर दिया ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है मैंने यहां कहा आपको कि एंटरप्रेन्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल आंटरप्रनोर्स मेरे नज़र के अंदर वो बड़े हुए हैं जिन्होंने बी एम भी बनाई है मेरे अंदर मेरे मुताबिक वो भी हुए जिन्होंने फ्यूल एफिशिएंसी का तो जो भी किया लेकिन आपकी जो है वो लाइफ सेविंग के लिए जो चीज़ें डेवलप की आपने देखा होगा कि एक रीसेंट टाइम के अंदर एक गाड़ी है लोग तीन तीन करोड़ रुपए ज़ाया करते हैं या ज़ाया करते हैं यूज़ करते हैं उसके जगह चालीस पचास लाख की एक जापनीज ग्रेस गाड़ी आती है उसके अंदर हॉट सीट भी है उसके अंदर वो अलग अलग फ़ीचर्स भी हैं ये मेरे लिए शौक है कि जापान के अंदर इतना बड़ा एफिशिएंसी है कि हर हर एक छोटी सी कार भी अगर आप ले लें तो उसके अंदर वो सिस्टम मिलेगा कि आप उसकी लेयर को और आप उसकी जो है एफिशिएंसी को उसकी टेक्नोलॉजी को उसकी इनोवेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं सो व्हाट वी हैव टू एंजॉय रादर देन हम सिर्फ एक इमेजिनरी सी चीज बनाते हैं कि दैट इज अ ग्रैंड कार कॉस्ट सिक्स करोड़ रुपीज तो आप अपने प्राइस पे कर रहे हैं जी नहीं अच्छा अब इस एफिशिएंसी के अंदर हम देखते हैं कि लेस प्रॉफिटेबल एंड लेस कॉस्ट एफिशिएंट बैंक्स आर मोस्ट लाइकली टू बी एन एकट यह पहला नंबर का था इसके अंदर सेकेंड के अंदर करते हैं टू एक्वायर बैंक इंप्रूव कॉस्ट एफिशिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंगिडेट जब दो बैंक टू बिजनेस बी टू सी बी टू जी बिजनेस टू बिजनेस टू गवर्नमेंट बैंक टू गवर्नमेंट बी टू जी भी हो सकता है सो हाउ दे कंसोलिडेट सो जब कंसोलिडेशन के बाद आपकी इंप्रूवमेंट इन एफिशियंसी आती है

आपने देखा होगा कि बैंक्स नॉर्मली गो फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन सो so बहुत सारे बैंक्स आपकी नजर में भी गुजरे होंगे सो व्हाट दे डिड इन दैट वे के जापान के अंदर इस स्टैंडर्ड के ऊपर लगा और उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की एफिशिएंसी को प्रोड्यूस किया याद रखें एक और चीज मैं आपके साथ क्रिएट करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स आर द वन हु वर्क ऑन क्वालिटी वर्क ऑन ह्यूमन रिसोर्स वर्क ऑन एफिशिएंट वे ऑफ फाइंडिंग and mitigating risk and efficient in managing uh, resources financial resources bhai aap bank se le credit bank se le credit scheme se le private creditor se le jahan se bhi le the efficient on time financial input is the most important for the business अगर आपका एक दिन अगर आज प्रोडक्शन का मेरा जाया हो अगर आज मुझे उतना पैसा नहीं मिला मेरा अगले दिन में आप मुझे दस हज़ार गुना ज़्यादा भी दे दें तो मुझे किसी काम का नहीं होगा सो दिस इज़ हाउ वी आर नीड टू अंडरस्टैंड एक्स एफिशंसी इन द बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर थैंक यू वेरी मच